Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. आप देख रहे हैं स्पीक न्यूज. दोस्तों आज का वीडियो साइकोलॉजी का क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक में है. तो दोस्तों चले बिना टाइम गवाते हुए जल्द से जल्द शुरू करते हैं. छोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण किया, तो इसका जो सही जवाब है 8 नंबर का, दो नंबर यानी अ एवं ब दोनों. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं. टाइप ए व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका जो सही जवाब है 9 नंबर का, अ नंबर यानी ब्रायड एवं एडलर ने. अब अगला क्वेश्चन आपके सौ क्वेश्चन है. स्टेनबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है, तो इसका जो सही जवाब होगा यानी 10 नंबर का, दो नंबर यानी तीन श्रेणी है. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. बीने साइमन परीक्षण माप है, तो इसकी जो सही इसका जो सही जवाब होगा यानी 11 नंबर का, 100 नंबर यानी बुद्धि. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है. औपचारिक समूह में इनमें से कौन सी विशेषता है, तो इसका जो सही जवाब होगा यानी 12 नंबर का, अ नंबर यानी हम एक भावना सॉरी हम की भावना. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. मनोचिकित्सा का उद्देश्य है, तो इसका जो सही जवाब है 13 नंबर का, दो नंबर यानी अ एवं ब सौ दोनों, अ एवं सौ दोनों. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. 14 क्वेश्चन. आईजेक व्यक्तित्व प्रश्नावली में से मापन नहीं होता है, तो इसका जो सही जवाब है 14 नंबर का, 100 नंबर यानी समाज विरोधी व्यक्तित्व. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूरी तरीके से आ चुकी है. 15 क्वेश्चन. जीवन मूल प्रवृत्ति के का प्रतिपादन किया, तो इसका जो सही जवाब है 15 नंबर का, दो नंबर यानी फ्राइड. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है पूरी तरीके से. कथानक संप्रेक्षण परीक्षण के निर्माता कौन है, तो इसका जो सही जवाब है 16 नंबर का, 100 नंबर यानी मरे एवं मार्गन. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है. परमदर्शिता के कौशल की व्याख्या कौन नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है यानी 17 नंबर का, सेवार्थी की शिक्षा. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है. क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है, तो इसका जो सही जवाब है 18 नंबर का, दो नंबर यानी सभी के लिए. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. समायोजन स्वभाव है यदि, तो इसका जो सही जवाब है यानी 19 नंबर का, दो नंबर यानी उपयुक्त सभी होगा. इसका जो सही जवाब है उपयुक्त सभी. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है. DMS चतुर का प्रकाशन हुआ था, तो इसका जो सही जवाब है यानी 20 नंबर का, दो नंबर यानी 1994. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. किसी अनुचित आदत पर बल देना कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा यानी 21 नंबर का, बो नंबर यानी स्थितिकरण. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूरी तरीके से आ चुकी है. 22 क्वेश्चन. एक व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए बचकाना व्यवहार करता है, उसे कहा जाएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा यानी 22 नंबर का, सही जो जवाब होगा यानी दो नंबर यानी प्रतिगमन. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है. बर्न आउट परिणाम है, तो इसका जो सही जवाब होगा यानी 23 नंबर का, 100 यानी दीर्घकालीन प्रतिबल. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है. सार्वजनिक स्थान दुर्भति को कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा यानी 24 नंबर, गोरा फोबिया. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं. बुद्धि लब्ध को कौन सूत्र मापता है, तो इसका जो सही जवाब होगा यानी 25 नंबर का, 100 नंबर यानी मानसिक आय बाई वास्तविक आयु इंटू 100. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं पूरी तरीके से. इनमें से कौन परीक्षी परीक्षण नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा यानी 26 का, 100 नंबर यानी 16 व्यक्ति कारक परीक्षण. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन. निम्नलिखित में कौन 100 का भावात्मक पहलू है, तो इसका जो सही जवाब होगा यानी वो नंबर आत्मसम्मान. अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. 28 क्वेश्चन. यदि चिंता दीर्घकालिक अति तीव्र और कारक स्पष्ट है तो उसे कहते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा यानी 28 नंबर का, 100 नंबर यानी सामान्यकृत चिंता विकृति. तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़.